बिहार में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। आज प्रदेश के 26 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून पूरे बिहार को कवर कर लेगा। इसके कारण अगले 72 घंटे के दौरान बिहार में मॉनसून की गतिविधियां तेज हो जाएगी। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज हवा और आकाशीय बिजली का अलर्ट भी जारी किया है। मधुबनी में बारिश की वजह से भूतही बलान नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे 2.98 करोड़ की लागत से 4 पिलर वाला निर्माणाधीन पुल का गार्डर भी गिर गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही इसकी ढलाई हुई थी। वहीं कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में महानंदा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण कटाव हो रहा है। इसके साथ ही पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। अररिया में परमान और पूर्णिया में महानंदी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। अधिकारियों ने बताया कि गार्डर की ढलाई करने के बाद नदी के जलस्तर में अचानक से वृद्धि हो गई। इसकी वजह से शेटरिंग पानी के तेज बहाव में बह गया और जिसके चलते ये गार्डर गिरा है। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से साल 2021 से ही पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश में मॉनसून की एंट्री 20 जून को किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते से हो गई थी। इसके बाद मॉनसून कमजोर पड़ गया था। 24 जून से एक बार फिर से सक्रिय होकर आगे मॉनसून बढ़ने लग गया। हालांकि अभी तक मॉनसून की अच्छी बारिश प्रदेश के 20 जिलों में देखने को नहीं मिली है। इन जिलों में रविवार तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। उसमें है बक्सर, आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर और सिवान में अच्छी बारिश हो सकती है। उधर अररिया में परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर है। शुक्रवार की रात में और 18 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने का पूर्वानुमान था। इसी तरह से महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगरा घाट पर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर है। कटिहार के झाबा में यह नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर नीचे है। राज्य में बारिश होने के बाद गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। पटना के गांधी घाट पर पिछले 24 घंटों में गंगा का पानी 44 सेंटीमीटर बढ़ा है। यहां गुरुवार को 42.27 मीटर जलस्तर मापा गया था, जो शुक्रवार को बढ़कर 42.71 हो गया है। हालांकि यह खतरे के निशान से अभी 5.90 मीटर नीचे है। गांधी घाट पर खतरे का निशान 48.60 मीटर है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी चंपारण में 56.3 mm रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब तक बिहार में 59% बारिश कम हुई है। 28 जून तक बिहार में 140.4 mm बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 57.3 mm ही बारिश हो पाई है। अगर बात करते हैं कि किन प्रमुख नदियों का वाटर लेवल बढ़ा है, तो उसमें है गंगा। गंगा का गांधी घाट, गंडक का रेवा घाट, गंडक का लालगंज, वहीं बता दें गंडक, हाजीपुर, कोसी, कुर्सेला, बूढ़ी गंडक, लाल बेगिया, बागमती, हाया घाट और महानंदा ढेंगरा घाट, इन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि 29 जून से लेकर 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में शामिल है पटना, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर और शेखपुरा।